एनी टाइम बहुत इंप्रूव किया है मैनेजर, मन यकीन है डर्बी दी रेस सादा यस मास्टर ही जीतेगा। श्योर राय बहादुर साहब, एस लई के फतह तुहाड़ी गुलाम ते शिकस्त तुहाड़ा परछावा वेख के नस जांदी है। तू ठीक आखे मैनेजर, राय बहादुर साहब दा मुकद्दर कातिब तकदीर ने सोने चांदी दे कलम ना लिखे। रावी ए दस, घोड़े वाली ताजा खेप कदों पहुंच रही है? मैं जनाब दी तबीयत तो चंगी तरह वाकिफ हाँ, इसलिए इस गुलाम ने ऑस्ट्रेलिया तो वो घोड़े मंगवाए ने जेड़ी ताड़ी तबीयत ते पूरे उतरनगे। नहीं ना अभी नहीं, असी तेन गुलाम नहीं अपना दोस्त समझने आ, ते जान लिया कि तू साडे ज़ौक और शौक तो अच्छी तरह वाकिफ है। राय बहादुर साहब चलिए, टीना बीबी का अमेरिका तो टेलीफोन आने वाला है। ओ यस, असी ते भूल ही गए सा। नवाबी यस सर, घोड़े का टाइम अपनी निगरानी चेक करा लें। ठीक है सर। हेलो ओके, आओ मैनेजर। सर टीना बीबी का फोन। हेलो टीना, आर यू? असि बिल्कुल ठीक है, साड़ी बेटी की सेहत तो ठीक है ना? गुड गुड गुड। तालीम मुकम्मल हो गई है तो फिर छेती नाल वापस आ जाना बेटा, असी बहुत उदास हाँ। वेरी गुड, एदा मतलब तू चंद दिनों तक पहुंच रही है? नहीं नहीं, साडे घर की सारी रौनक साड़ी बेटी के नाल है। ओके बेटा, मैं अभी खुद कॉल करांगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। मकबूल खान ऑन द लाइन सर। हेलो, हाँ मकबूल खान, खैर ते है? तैनू साड़ी याद किस तरह आ गई? राय बहादुर साहब, मैं जान जावा तुहानू अच्छे जानवर रखने का बहुत शौक है, मैं अपने स्टड दे कोड़े फरोख्त करना चाहना वा, अगर तुसी खरीदना चाहो तो मेरे कोल बड़ी आला नस्ल दे कोड़े मौजूद ने। ठीक है, मेरा आदमी शाम दी फ्लाइट ते तेरे कोल पहुंच जाएगा। शुक्रिया सर, शुक्रिया। हाँ याद आया, जे तुसी कहो तो मैं घोड़िया के ट्रेनर नूं भी तुहाडे नाल कर दिया, वो बड़ा गजब का लड़का है, वो जिस जानवर की अख छख पा लवे तो सर्कश तो सर्कश घोड़ा भी नहीं पा देता है। अगर वो लड़का इन्ना ही जहीन है तो फिर असं उन्हें अपने स्टडी जरूर मुलाजम रखेंगे, तू उन्हें अज ही साढ़े लवाना कर दे। बेटा मैं तेनों यह दसन आया कि मैं अपना स्टड फरोख्त कर दिता है। जी हाँ सर, मैंने इतला मिल गई है। तेरी काबिलियत में मद्देनजर रखते हुए मैं जिस रईस को अपने कोड़े फरोख्त किए ने उदे नाल तेरी नौकरी भी पक्की कर दीती है। ठीक है सर, जिस तरह तुम्हारी मर्जी, मैं अज ही अपने जान की इतला डैडी दे देना। आमिर बेटा, आज मैं बहुत खुश हाँ, ऐनी छोटी उम्र च तू ऐना अच्छा ट्रेनर बन गया। ऐसा तुम्हारी मेहनत का नतीजा है बाबा, तुसी अपने गुजरे हुए कल के तजर्बे की रोशनी च मैनू जवान किया है। मेरा तुहाडे नाल वादा है, जिस तरह ट्रेनिंग फील्ड च तुहाडा कोई सानी नहीं सी, उस तरह तुहाडे बेटे नूं भी कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। गुड बॉय। हाँ सच, मकबूल खान ने अपने घोड़े किदे अगे फरोख्त किते ने? कोई खानदानी रही से बाबा, मकबूल खान दे घोड़े मेरे लिए काफी मानूस ने, ऐसी डबल दरखा ते मैनू भी उन्हां दे नाल जाना पिया है। ठीक है बेटा, उत्थे जाके अपनी सेहत का ख्याल रखी, जदों दी तेरी मां फौत हुई है
मैं तेनु अपने कोलों एक पल भी दूर नहीं रखिया। एनीवे गुड लक माय सन। आई लव यू पापा। लोन रेंजर एंटर है हाँ? नहीं नहीं, कंडीशन आउट क्लास, अनबीटेबल। सर ट्रेनर आ गया है। करीम भाई जरा होल्ड करी। मकबूल खान ने तेरी बड़ी तारीफ की है। असी घोड़िया के बारे तेरी मालूमात जानना चाहते हैं। बस ऐसा जानो राय बहादुर साहब कि मेरा तजर्बा मेरा विरसा है, तो मैं पूरी कोशिश करांगा कि तुहाडे घोड़े मियार के मुताबिक सुधार सका। लड़का काफी समझदार है सर। ठीक है मैनेजर, एसटेबल ले जाओ, थे कम और तनख्वाह के बारे दस दियो। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ करीम भाई, डरबी प्रोग्राम के मुताबिक अगले महीने की 15 तारीख नू है। नहीं नहीं इंशाल्लाह जित भी साडा मुकद्दर बनेगी। श्योर। आमिर, राय बहादुर साहब का एक घोड़ा बड़ा तेज है, इस घोड़े ते हाले तक किसी ने सवारी नहीं पाई। ए तेरे जे ट्रेनर नहीं, बड़ा वड़ा चैलेंज है चैलेंज। सानू इस घोड़े का चैलेंज कबूल है। लगता है ये मुंडा साडा बूटा पट के रख देगा। डॉक्टर साहब लगता है ट्रेनर तबीयत का कौड़ा भी है। मैं इहदे नाल रोटी ला के खानी है। गल सुनो, ए कि खुदा ना खास्ता ये मुंडा इत्थे टिक गया, इल्जाम ला देना कि रे सारी घोड़ी टांगी अगे जो कि घोड़ी की कमाई खाता है। गैर तला होया तो किसी पासे मुंह कर जाएगा, नहीं तो तुहाडे वाली पार्टी च शामिल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। कच्ची थां मेरे को लुको के रखना। Oh,
ही किता है। ऐस कोड़े नु ते कोई नंबर वन ही जेर कर सकता सी। वाह मिस्टर आमिर, वाह, जैसा सुनिया सी उस तो वध पाया है। एना नु मिलो, ए डॉक्टर अफसोस दी बेटी शीनो है। हेलो हेलो, बड़ी ताकत है तड़े हथां च, लगता अड़ियल तो अड़ियल जानवर नु भी बड़ी छेती अपने पिछे ला लेंदे हो। थैंक यू मेजर साहब। इस स्टडी किन्ने मुलाजम ने, किधर किधर कोल की शोभा है, कौन कौन किन्ने बजे आता है, इस सब की तहसील बना के मैं दे दो ताकि मैं कल तो हाउस ट्रेनिंग का टाइम सेट कर सका। हूँ चलो मैं मेरा कमरा विखा दो। आओ मिस्टर आमिर। डंकना। यस मास्टर। मैनू मास्टर कहना मेथो बाजा सिखदा रहे हैं। डॉक्टर क्या कर। अच्छा डॉक्टर साहब। पुत्र छणकना। जी अब्बा जी। सारे दे सामने अब्बा जी ना क्या कर कदे आ। इसे गल दा ते केस चलन दे। अपना मनकना। यस सर। मुंडियो ये आउन वाला ट्रेनर मैनू खासी तेज चीज लगता है। तुसी ये दिनाल गंडे कटने ने। इस तो पहले के शिकायती टट्टू पढ़ के साड़ियां शिकायत लावे, आज तो काम चोरी बंद कर दियो। डॉक्टर साहब भाई दवे सब नाल ज्यादा छुट्टियां थे तुसी कर दियो। मैं तेरे कोलो राय नहीं मंगी, कम करन ली किया है ते तू मेरा राज खोलन दे। याद रखना बच्चियो, ये राय बहादुर साहब नू साडे कम ना करन दा पता लग गया ते उना सानू नौकरियों छुट्टी दे देनी है। मैं ते टांगे वाले अड्डे ते घोड़िया नू खुरियां ला लांगा, पर तुहानू इना लम्मे कोटा दी वजह करके लोका ने जेम्स बॉन्ड दियां कुत्तियां समझ के कुचला दे देना। घोड़ा बड़ा ही वफादार है। हाँ, इंसान ते जानवर अपनी नस्ल ते जानते ने। वाह, ताड़ी समझदारी दी दाद देनी पैगी। जी मेहरबानी। एक मिनट, तुसी चंद दिना च सारे स्टड दे माहौल नू अपने रंग च टाल लिया है। एथों दे जानवर ते इंसान सब ताड़े नाल बड़े मानूस हो गए ने। अगर कोई ताड़े वाल दोस्ती दात बताए तुसी इनकार तो नहीं करोगे? इकरार मैं इसलिए नहीं करांगा मिस शिनू कि प्यार मोहब्बत ते दोस्ती सब फजूल दी गल्लां ने, ते जिहदे ते जनून आ जाए वो पागल हो जाता है, ते फिलहाल मेरा पागल बनन दा कोई इरादा नहीं। पागल ते तू सानू कर दिता है, हुण वेखना है वे कि असी तेरी जिद तोड़ने आ या आप हार मना। Thank you.
जवाबी मुंडा काफी समझदार ते फुर्तीला लगता है। माफ करना जी, मैनू तो मुंडा काफी खर्चीला लगता है। राय बहादुर साहब, पहले इस लड़के दे बारे च मेरी राय मुख्तलिफ सी, पर हुण दा शौक ते चाबकदस्ती वेख के मैनू यकीन हो गया है कि तुहाडे स्टड लई बेहतरीन ट्रेनर साबित होवेगा। हेलो, ओ टीना बीवी। सर, टीना बीवी का टेलीफोन। हेलो, आ बेटे, असी बिल्कुल ठीक हाँ। हैं? कदों? वेरी गुड। अजी तू आ कदों रही है? पर टीना बेटे, टीना, टीना। ना अभी टीना बेटी भी समझ नहीं आती, हमेशा अपनी जिद मनवांदी है ते सान मननी पेंदी। सेक्रेटरी, यस सर। कल दिया सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दे। बेहतर सर। कल असी सारा दिन कार बैठ के अपनी बेटी का इंतजार करांगे। सलाम बेबी साहबा। हाय। हेलो बेबी। हाय पापा। पापा। टीना, माय स्वीट चाइल्ड। माय स्वीट पापा। टीना, आई रियली मिस्ड यू। याद है ना पापा, मैं तानू क्या सी? जैसे मेरी तालीम मुकम्मल हो जाएगी, मैं ताड़ी आंखां दे सामने होवांगी। तैनू देख के दिल नू सुकून मिल गया टीना बेटी, अज असी बहुत खुश हां। पता, तेरे आण तो पहले सी हर वेले सिर्फ तेरे बारे सोचदे रहने सां। ओहो पापा, तुसी तो हमेशा मेरे बारे च ही सोचदे हो, कदे अपने बारे च भी सोच लिया करो। हुण साडी बेटी आ गई ना, साडा हर तरह दा ख्याल खुद रखेगी। मैं कल ही ताड़ा डाइट चार्ट बनावांगी ते सुबह तो असी जॉगिंग ते जाया करांगे। सारे प्रोग्राम बन जाएंगे। फिलहाल सफर की थकावट लाने लिए तेरा आराम करना बहुत जरूरी है। ओके पापा, शावर लेने तो बाद सब तो पहले मैं ताड़े स्टेबल्स देखांगी। अमेरिका विच ताड़े घोड़े की तारीफ सुन सुन के मेरे कान पक गए ने, और तुसी जानदे हो आई लव राइडिंग। आई नो सारे शौक पूरे कर लें। रोजी। यस सर। टीना बेटी, उन्होंने कमरे तक ले जाओ। आओ बेबी। ओ पापा। ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਮੇਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦਿਓ।
क्योंकि यह बड़ा खतरनाक कोड़ा है। साड़ी ख्वाहिश दे पैरा मिच हर खतरा दम तोड़ देना है। जिद ना करो मेम साहब, असि गुलामा दे मशवरे दे कदी अमली कीता। अगो हट। अपने मुलाजमो ऑर्डर करो कि एना मारन की जिसम के खल बाकी ना रवे। मैनेजर। यस सर। ओ सलाम खोर नु हुणे साडे सामने पेश करो। ओके सर। चलो राय बहादुर साहब, टीना बेटी ने सरकश घोड़े ते सवारी करनी चाहिए, आमिर ने इनू रोकिया, मगर टीना बेटी जबरदस्ती घोड़े ते सवार हुई, घोड़े ने टीना बेटी नू जमीन ते सुट दिता। आमिर अगर टीना की गल मन जाता तो खुदा ना खास्ता कोई हादसा भी हो सकता सी। टीना नू कुछ हो जाता तो तुसी आमिर नू गोली मार देंदे। आमिर ने टीना का हाथ रोक के एदी जान बचाई है। नहीं अंकल, उस बदतमीज़ ने साड़ी नहीं पापा दे कीमती घोड़े दी जान बचाई है। नहीं बेटी, तेरी ख्वाहिश से अपनी कीमती तो कीमती चीज कुर्बान कर सकते हैं। अपना मूड ठीक कर ले, हूं उस घोड़े नु आमिर अपने हथी गोली मारेगा। माय स्वीट पापा। हाँ याद आया, असी कुछ दिन लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, जेड़ी भी चीज मंगवानी हो मैनेजर ने लिखवा दी। ओ नो पापा, बस तुसी जल्दी वापस आ जाना, मैनू और कुछ नहीं चाहिए।
कमरे चाहन दी जुरत किस तरह हुई है? जुरत इरादे का ना है मिस टीना, तो मेरा इरादा की है मैं तेनों हूं ही दसना। मेरा ख्याल है कि तेनू मेरे जुरत से मेरे इरादे का पता चल गया होना है। तू जिहड़ी ज्यादती मेरे नाल कीती सी उहदा बदला मैं ले लेता है। तेरे इस कमरे का जो हाल मैं कीता है इस तो पैरा हाल मैं तेरा कर सकना वा, लेकिन मैं तेरे तरह छोटे सिंह का मालिक नहीं। एक गल अपने वालदे मोहतरम जनाब राय बहादुर साहब नूं कह दें कि मैं इज्जत दी नौकरी करन दा आदी हाँ। तुहाडे जे मगरूर ते कम जर्फ लोगों की नौकरी करना मेरी तोहीन है। मैं दान छाड़ के दौड़ना ही सी ते फिर वो जिद्दी कुड़ी ने जिद क्यों लाई सी? ओदी जिद दा सिर ते मैं नीवा कर देता शीना, इसलिए ते मैं नौकरी छड़ के जा रहा। आमिर प्लीज रुक जा, मैं तैनू नहीं जान देंगी। नहीं शीना, मैं इत्थे एक पल नहीं रहांगा। आमिर बेटा कर सुन, तेरे हाथ च फड़िया है टंकी, दस रहा है कि तू है मेरे दिल कहीं और चल गाउन दा प्रोग्राम बना लिया। बेटा ये मेरे को कोई गलती हो गई है तो मेरी बच्ची नु माफ कर दे बच्चिया। नहीं डॉक्टर अफसोस साहब, तुहाडा अच्छा सलूक तो मैं हमेशा याद रखांगा। मैं इतों अपनी जाती मजबूरी की वजह तो जा रहा। ऐ तो वाकई चला गया है। मैं तू ए फुफी भी आनी तेरी छोटी वजह मुंडा हाथों निकल गया मेरे बच्चा बच्चा बच्चा। जानी हूं तू इस शहर छड़ के जा रहे हैं। जिथे नफरत लोगों का ईमान होवे उथे इंसान नहीं रह सकते। मिस्टर इंसान तू चंगी तरह जानना है कि मैं बड़ी जिद्दी लड़की हूं। तू मेरे घर आके तोड़फोड़ की थी, मैं तेनू कभी माफ नहीं कर सकती। तू किराए के बंदे भेज के मेरी शराफत से पहले वार किया, मैं उसका जवाब दे के हिसाब बराबर कर देता है। मैंने तेरे जान तक कोई इतराज नहीं, पर तोड़ फोड़ दा बिल अदा करके जिथे मर्जी चला जा।
जदों मुखर ते सुट लवे वाल कदों दिन छड़दा जदों मुखर तो चुक लवे वाल तेरी अतरे सामनू मार सुटिया एवें तेनी दिल सहार सुटिया जानिया नी सोनिए कदों पैंदिए शाम जदों मुखर ते सुट लवे वाल तेन दिल सहार सुटिया जानिया नी सोनिए कदों पैंदिए शाम जदों मुखर ते सुट लवे वाल जान ली इतने वापस आया थैंक गॉड आमिर ना आंदा तू मेरा तो बड़ा ही बुरा हाल होना सी टीना आमिर तू ऐसे लेते कि करण आ गई है
दिल नु भला समझाया पर इन्हें मेरी एक नहीं सुनी। शाम की सिद्ध कर रहा है कि मैं टीना नु मिलना है। आखिर दिल दे हथों मजबूर होकर मैं तेरे को आ गया। जनाब अपने इस दिलों को समझाओ, सबर से इंतजार करना सीखे। बिना वजह की मुलाकात किसी लिए मुसीबत के पार भी खड़े कर देनी है। हम अपने दिलों पूछे ने मैनू मिले रुक जाओ फिक्री जाओ ना जाओ जाओ ना बीबी जी दूध इधर रख दे। उधर नहीं इधर इधर मैं क्या बीबी जी एक गल्ला कितने ना करन दे सो बकवास बंद कर तेरे कान बज रहे ने चल बात चल चल आमिर खतरा टल गया या अल्लाह तेरा शुक्र है बड़ा नैश मजो रखे किस वेले दूध लेके आ गया इस वेले कोई और मुसीबत आ जाए तू इधर चला जा ओए तू चला जा ओए इधर नहीं इधर खिड़की वल जा लेकिन टीना जिस दिल ने फिर मिलन की जिद की थी फिर तेरे दिल में आप मिलन आवांगी तू इस वक्त चला जा प्लीज चला जा राउंड अबाउट कितने बजे आ जाओगे बंदे ने तैयार त्यूरी होना होता वाल शाली बनाने होते कोई टाइम तो दस दो डॉक्टर साहब एवो कोड़ा है जिदिया बहुत शिकायत मिली ने क्यों तुहाडे घर जाती है मारदा ये नाल दी घोड़ी नू छेड़दा है जी छेड़दा ओए लांतियो बेजबान ते इल्जाम लाई जान डए हो ये तो घोड़ा ही नहीं ये तो घोड़ी है अगे आओ कालू इधर आ बेटा आ वेख फुफियां आईया नी डॉक्टर साहब एओ कोड़ा है जिहड़ा बहुत चीका मारदा है चीका ते मेरियां भी निकल जांदियां ने पर उदी वजह होर है ए चीका क्यों मारदा डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब दरबेश दौड़न वाला कोड़ा किंग गोल्डन एक पैर चुक के खलोता है पैर चुक के खलोता है क्यों ओदा बूट गुआच गया अगर तुसी ओदा इलाज ना कर सकते तो मैं राय बहादुर साहब नूं तुहाडी शिकायत ला दांगा वेख भाई इत्थे रहना इत्थे चोहल खोर ना बण मैं ओदा इलाज कर रहा वां दो चौं दिनां च ठीक हो जाएगा क्यों साडी नौकरी दे पिछे पै गया ठीक है डॉक्टर साहब अपने छोटे जे दिमाग दे छोटे जे खाने च आए गल बिठा लो कि अगर दो दिन दे अंदर अंदर किंग गोल्डन ठीक ना होया तो फिर अपना बोरिया बिस्तर गोल ही समझो डॉक्टर साहब मैनू ते मुंडा बड़ा कौड़ा जिहा लगता जे मेरा कौड़ा ही नहीं बेअदब भी है पर जिस दिन मेरे शिकंजे विच आ गया मैं इहदा कुट पराई परा बिल्कुल ठीक मैनेजर तू चंगी तरह जानना है जिहड़ा इल्जाम तू टीना ते ला रहा है अगर वो गलत होया ते राय बहादुर साहब सानू दोवां नू बेइज्जत करके तो कर देंगे आमिर ते टीना दे बारे च मैं जो कुछ वेखे है वही कुछ तुहानू दस रहे हैं सर राय बहादुर साहब जदों दे शहरों बाहर गए ने आमिर ते टीना एक दूसरे नू आजादाना मिल रहे ने कल रात आमिर टीना दे बेडरूम विच उन्हूं मिलन गया सी ठीक है मैनेजर राय बहादुर लई मैनू कोई होर नवा जाल हुण नहीं बुनना पैगा उहदे पागल होण लई टीना ते आमिर दी आशकी दी दास्तान ही काफी है हाय मैनू तेरे आशकी ने मार सुटिया हाय मैनू तेरे आशकी ने मार सुटिया मैनू तेरे आशकी ने मार सुटिया सुटिया दिल देख तेनू
ने मार सुटिया। खामोशी मेरी समझ नहीं आ रही। बस की जंग चल रही है तेरे जेहन च? गल बहुत वड्डी है राय बहादुर साहब, सोचना वा ताड़े लई नुकसानदेह साबित ना। तुसी पहले दिल दे मरीज हो नवाबे। जमाने की रफ्तार नाल चलदिया चलदिया दिल हुण बहुत मजबूत हो गया है। कोई खबर कोई साने इहदे ते असर नहीं कर सकता। दस की छुपा रहे साडे कोल? राय बहादुर साहब, ताड़ी लाडली बेटी टीना जिंदगी दे जे सफर पर टुर पई है और राय खानदान ले बाय से शर्म है। नवाबी, जो कुछ कहना चाहना है साफ लफ्जों में कहो। तेरी गुफ्तगु सन किसे आने वाले तूफान का इशारा कर रही है। बोल, तेरी परेशानी इच टीना का ना क्यों आया? क्यों है टीना? इश्क नवाबी। हाँ राय बहादुर साहब, ताड़ी टीना बेटी ने ताड़े जाहो जलाल खानदान की इज्जत और अजमत दिया उच्चिया दीवारा टप के एक मामूली लड़के का हाथ फड़े आए। उस लड़के नाल मुलाकात का सिलसिला ताड़े जान तो बाद शुरू होया। सब कुछ व्यक्ति भी उन्होंने कुछ असली नहीं किया कि यह गल ताड़े नोटिस लाना जरूरी सी। कौन है वो लड़का? ताड़ी फर्म का एक मामूली ट्रेनर आमिर। Amen.
गुस्ताख नू कसीर दे इशारे पार सुटाओ। मनु अज तो बाद इहदी शकल नजर नहीं आनी चाहिए। कोई ना मारे, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरे बिजनेस च हाथ पा बैठा, मैं आप ही नू मारांगा, हट जाओ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एनु इहदे हाल ते छड़ दिओ, आओ मेरे नाल, आओ, सारे, जाओ, पुत्रे, शिकारी कुत्ते चले गई, होश कर मेरिया बच्चा, एनु सहारा दे के कर ले चलो भाई, आओ, आओ, आमिर ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? तुसी फिकर ना करो, मिस्टर आमिर दी हालत हो खतरे तो बाहर है, थोड़ी देर तक इन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर साहब मेरी मनो ते अपना इलाज भी किसी अच्छे जे डॉक्टर को कराओ, तुसी भी गल करदे थिड़कन लग पैंदे। ओहो डॉक्टर साहब ताड़ी ते मजाक वाली आदत हाले तक नहीं गई, मैं ताड़े शागिर्दां दे हाथ बाकी दवाइयां भेज देना। अच्छा जी, वैसे इस डॉक्टर नूं लियाउण दी थां बच्चे दा इलाज मैं आप भी कर सकदा सां, पर मेरी फीस जरा ज्यादा है। मुंडे ने होश फड़ ली, फड़ फड़ मुंडे फड़, होश फड़ बच्चा। शुक्र है मेरे बच्चे ने होश फड़ लेती है। ले बेटा हुण तू फिक्र नहीं करना, मैं तेरे वालिद साहब नूं टेलीग्राम देती, अल्लाह कीता पहुंचण वाले ही होणगे। डॉक्टर साहब तुसी डैडी नूं इतलाह देके अच्छा नहीं किया। क्यों बेटा, तुहाडी प्यो पुत्रां दी आपस च लगदी है। आमिर बेटा, आमिर बेटा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा तू ठीक ते है ना? मैं हूं ठीक हूं डैडी। ये बच्चा ते बिल्कुल सेहतमंद है, मैं जरा ढिला मठा रहना, मैं किसी अच्छे जे डॉक्टर दा पता ते दसो। ये कौन ने बेटा? मैं भी डॉक्टर हाँ। इन्हें तो ना डॉक्टर अफसोसनाक है। अफसोसनाक? हाँ जी, मैं जंग च पैदा होया सा। ए डॉक्टर अफसोसनाक ने डैडी, इन्होंने मेरी जान भी बचाई है, तो तुम्हें टेलीग्राम भी इन्होंने भेजी सी। मैनू उस जालिम दा नाम दसो डॉक्टर साहब जिनने मेरे पुत्र नू बेदर्दी नाल मारे है। तुहाडे खून नाल ज़्यादती करन वाला वो सरमायादार है जेड़ा प्यार नू गुनाह समझता है। मैनू ओदी फितरत नहीं, ओदा ना दसो डॉक्टर साहब। ए तुहानू मैं दसना वा, मुठ रख पुत्र, तुहाडे पुत्र नू दस्ती मारन वाले दा नाम है राय बहादुर शेर जंग। जान तो बाद असी अपने दिल उते तेरे लिए नफरत का ताला मार दिता सी, हुण इत्थे की लैण आई है? चंद दिन पहले तुहाडे हार्ट अटैक की खबर अखबार विच छपी सी, इसलिए तुहानू वेखण आ गई हां भाई जान। जिहड़ा हार दी चपेड़ इज्जत दे अटैक सह जाए वो दिल दे अटैक नाल नहीं मर सकता। जिस रिश्ते नू असी माजी दी दीवारे चुन दिता है उस रिश्ते नू जगाण दी कोशिश ना कर। राय बहादुर साहब, शादी में अपनी पसंद भी की थी सी, ये कोई गुनाह नहीं, ये तो हक ने दिता सी। किदा की हक है ऐसी बेहतर जानिया, पर तू साड़ी मोहब्बत नू एक दो टके दे मुलाजम दे सिर दा सदका ला दिता है, तू अपने आप नू बेगुना साबित नहीं कर सकती। जा, मैनू लेके चली जा इथों, असी इहदी शकल भी नहीं वेखना चाहते। राय बहादुर साहब, मैं भैन भरा की मुलाकात का तमाशा चुप करके देख रहा सा, मेरे मुतल्ले कुछ कहन तो पहले जरा इन्ना सोच लेना। इस दो टके दे मुलाजिम नू
शरीके हयात बनान दी गलती सलमा ने की सी, मैं नहीं। सलमा, ऐस नमक राम वाक साढ़े मुंह न लगे वरना असी एदी जुबान वट जांगे। राय बहादुर शेर जंग साहब, तुसी एक खानदानी इंसान हो पर शायद अपनी भैन दे शोहर नाल गुफ्तगू करन दे अंदाज तानू किसे ने सिखाए नहीं। ए! सलमा, अपने जुबान दराज शोहर नू लेके तो चली जा, नहीं ते असी तानू तक्के मार के तो कटा देंगे। ठीक है भाईजान, तुसी अपना ऐचा पूरा कर लो। दुनिया की कोई भैन अपने भरा के घरों कभी खाली हाथ वापस नहीं गई, इसलिए अच मैं ताड़े तक्के अपनी चोली च पा के इतों चली जानी हाँ। राय बहादुर की गल का बुरा ना मना सलमा, बस इन्ना सोच लै इस वड्डी जागीर च एक छोटा जा आदमी वसदा है जिहड़ा वड्डी गल कर ही नहीं सकता। आ चलिए। तू अली तक जिंदा है? मेरी जिंदगी तेरी शिकस्त राय बहादुर, जड़ी 20 साल बाद भी हकीकत बन के तेरे सामने आ खलोती है। असी तेरी जिंदगी नू मौत दी चोली च पाके इस हकीकत दा नामो निशान मिटा देंगे। राय बहादुर साहब, जमाना हर दौर च मोहब्बत दा दुश्मन रहा है, पर सारी दुनिया जान दिए प्यार दा नाम मिटाने वाले खुद मिट जांदे ने, पर प्यार कदे नहीं मिटिया। सच्चा गली पुराने मुर्दे ना उखाड़ मारिया जाएगा। मैनू मौत दियां धमकियां ना दे रहा है बहादुर, तू मेरे पुत्र आमिर नू जख्मां दी सौगात देके इंसानियत दे मिंबर तो बहुत थल्ले आ चुके हैं। अच्छा, ते आमिर तेरा बेटा है? हाँ, मैनू ओदा बाप होण दा फखर है। आमिर नू मेरिया नजरां तो किधरे दूर ले जा सज्जाद अली, ले जा, नहीं ते जवान पुत्र दी लाश तेरा बुढ़ापा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। आशिक दी मंजिल तक पहुंचन लई मौत दियां अखां च अखां पा के जिंदा रहना आशिकां दा शेवा है। कल मैं इस घर च मोहब्बत दा बूटा लाया सी, पर अज मैं उस दरख्त दियां जड़ां इस घर दियां बुनियादां तो डूंघियां देख रहा। जरा सोच, आमिर ते टीना दा प्यार मेरी गल्लां दी गवाही ही दे रहा है। असी एक वारी पहले भी अपने रिश्ते अपने उसूलों ते कुर्बान कर चुके हैं सज्जाद अली, अगर टीना ने बगावत की थी, अपनी भैन दी तरह अपनी बेटी भी कुर्बान कर देंगे। अपना फैसला बदल ले रहा बहादुर, नवी नस्ल दी आशकी ओ रस्ता है जेते ते टुर के असी दोवें एक हो सकने। चंद सूरज ते सितारे अपनी गर्दिश बदल सकते ने, राय बहादुर दा फैसला नहीं बदल सकता। असी कल भी इनकार कीता सी, असी अज भी इनकार करने हां ते नफरत करने हां इस आशकी नाल। नहीं पापा, प्लीज अपने से छड़ दे पापा, ते पुप्पा जान दी गल मान लो, टूटे हुए रिश्ते फिर जुड़ जाएंगे। टीना, असी गुलाम जादे नू अपना रिश्तेदार नहीं मान सकते। तू अपने कमरे जा, जा अपने कमरे। ठहरो बेटी, तेरे चेहरे ते प्यार दी रोशनी वेख के मैं तेनू अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया बेटा। नहीं पापा नहीं, बारो दी सियाई ना लिखे हुए फैसले उमरां दा रोग बन जांदे ने, ते मैं तानू नहीं करांगी। टीना,
आशकी दी ताकत दा नजारा ते तुसी देख ही लिया राय बहादुर साहब। बस हुण इन्ना याद रखना, अज तो बाद ताड़ी बेटी ताड़े घर च मेरी अमानत है। हां मेरी अमानत। तेरी हां या ना नाल मेनू कोई फर्क नहीं पैंदा। मैं शानो दा बाप हां, जिथे जबान दे आया मां शानो दी शादी ओथे ही करांगा। ए की कह रहे हो सेठ साहब? तीनों मेरी बीवी है। बीवी तेरी है, तेरी रहेगी, पर उदे नाल सुहाग रात मैं मन। साडे डॉक्टर साहब नहायती कंजूस आदमी ने, ऐसी चाहने हैं उन्हें तो जरा माल तुर करिए। मैं तो सी मैंने डॉक्टर ते दहावे, मैं डॉक्टर की अखा चखा पा के उन्हें रोटियों में सार कर देंगी। और डॉक्टर साहब आ गए नहीं? ये बुढ़ापा भी अजीब चीज है, नींद नहीं आती, सारी रात जाग के कटनी पैंदी है। या मेरे मालका, मैं इस तरह जगराते ही कटने हैं, मेरा कोई सबब बना दे। बबल तावेरा छड़ के वीरा कोल दूर चली, गुटिया पटोले छड़की। ओए टणकणिया ते मणकणिया, बेटा एहो जे समान नाल लै के रात नूं तुसीं यही काम कर दे हो, ए कौन है? सर ए तकदीर दी मारी ते नसीबां दी हारी इक औरत। नसीबा दी मारी ते तकदीर दी हारी औरत, ये कोई सवायत है? इन किसी ने तत्ते घुंघरू बन दिते है। ओए ए है कौन है? मेरी मेरी मजबूरी ते गंध ना सुथो बहू जी। बहू जी इधर मर जा। छोड़ भी दिया कि वो बहू जी कह रही है, ते बहू जी मेरे अलावा और कौन हो सकता? एदियां ते तारां भी नंगियां ने, शॉट मार दिया ए। मैं क्या तुसी इत्थे कल वास्ते आए हो? इन्हां नूं तकलीफ की है? डॉक्टर साहब इन्हां दा मसला है शादी। शादी कुड़ी दी मर्जी पुछनी पेगी। एदी मर्जी मैं आपे पुछ लांगा, रह गई थोड़ी मर्जी। ते ओ सिर्फ 20 रुपयां दी गुलाम है। ए 20 रुपए रख मेरा पुत्र, भज्जा ही जा। दो वड्डे प्याले लेने आ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਵਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਪਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮੈਂ ਮਰਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਖ ਲਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। मैं एक बच्ची का बाप हाँ जी। हाए मैं सच के जावा। और बच्ची जड़ी है जी वो अपने काम से लगी हुई है। तरहाना ना मैंने तुसी जान देनी है, सच मैं डॉक्टर हाँ। और देन च रखना मैं घोड़िया का डॉक्टर हाँ। हाए मैं मर गई। एदी खेती घड़ी मुड़ी ना मरो। अल्लाह जदों थोड़ी मेरे हथों लिखी है तां तुसी जरा मुखड़ा तिखाओ। मैं मुकुंड च कई पैसे लैनी है। ना तो पैसे तो मैं मैनू लिबर्टी मार कीट दा आसरा करा के ओए कच्ची बस्ती दे हवाले करन लगे सो। लगदा अज राय बहादुर साहब नू सोचा ने केरा पा लिया है। तू ठीक आ कहना अभी, अज असी माजी हाल ते मुस्तकबिल दी हर रेस नू नवे सिरे तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रेस बनाना राय बहादुर लई कोई नवी गलत नहीं। तू जानना है नवाबी, डरबी दी रेस इच हर घोड़ा ट्राई हुंदा है, ते कदी कदी बहुत घटिया नस्ल का घोड़ा आला तरीन पेडिग्री दे घोड़े नू शिकस्त दे देता है।
सजाद अली दे चैलेंज नू कबूल करके उनू जिंदगी ते मौत दी रेस खेडन दा मौका जरूर दियो, पर वक्त ते कोड़े दी लगाम तड़े हाथे चोनी चाहिदी है। ऐना ते सानू यकीन है नवाबी कि घटिया नस्ल दा कोई घोड़ा साड़ी सोच दे घोड़े तो अगे नहीं टुटता। यकीनन फतह साडा मुकद्दर बनेगी। ठहरो टीना बीबी, राय बहादुर साहब का हुक्म है कि तुसी घरो बाहर नहीं जा सकते। हुक्म दी कोई कन साडा रास्ता नहीं रोक सकती, असि जरूर जावांगे। माफ करना टीना बीबी, तुहानू रोकना साडी ड्यूटी है। यू बास्टर्ड! क्यों गए बेटा? सोचता हूं डैडी, जे मैं इस तरह से चला गया तो टीना मैंने बुजुर्ग समझेगी। जे तू इथों ना गया तो राय बहादुर की जिद तेन मेरे को खो के मौत के हवाले कर दे। मोहब्बत मौत नाल टकरा जाए तो हमेशा लिए अमर हो जाती डैडी। नहीं 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 आमिर बेटा, मैं इस उम्र तेरी जवान मौत बर्दाश्त नहीं कर सकता। जे टीना मैं ना मिली तो मेरी जिंदगी बेकार है डैडी, मैं तो बगैर मर जाऊंगा। जे तेरी मोहब्बत इश्क दी मंजिल ली इन्नी दूर निकल गई है तो फिर आशकी दे मैदान च तू अपने आप नू कल्ला ना समझी। आज तो बाद तेरा बाप तेरे हर इरादे दा साथ देगा। उन तीनों दी शादी होएगी तो सिर्फ तेरे नाल। नहीं, ये दी शादी मौत नाल होएगी। तेरी तेरे राय बहादुर दी ऐसी दी तैसी। अपनी ऐ शिकस्त राय बहादुर किन्ना तिल मिलाएगा ऐ सिर्फ मैं जानना। मैं सोचे मैं अपने बेटे नूं अपने नाल वापस ले जाऊंगा ताकि वो तेरी बेटी दी मोहब्बत नूं भुल सके, पर तू अपने बंदे भेज के ओ घटिया हरकत कीती है कि मैं अपना फैसला बदलन ते मजबूर हो गया। तू अपने फैसले बदल सकना सज्जाद अली, पर राय बहादुर ने अपना फैसला कदी नहीं बदलिया। मैं तेनू तेरे पुत्र दी लाश जरूर विखावांगा। राय बहादुर साहब, ख्वाब ते हकीकत च बड़ा फर्क होंदा है। आमिर ते टीना दा प्यार एक अटल हकीकत है ते हुण इन्ना याद रखना। मैं इस शहर च हुण उस दिन ही वापस जावांगा जिस दिन टीना बेटी दी डोली मेरे नाल होएगी। हां, ऐ मेरा फैसला है। सरकार हुक्म करो ते बेटे नू बाप दी लाश वखा दईए। नहीं मैनेजर, नहीं। आसान मौत एदे लई बहुत थोड़ी सजा है।
कल और अज का हिसाब बराबर करने लई मैं इदे पुत्र की लाश का तोहफा दियांगा। पेड़ तड़फ तड़फ के आप ही मर जाएगा। अपना ख्याल रखना डैडी। पुत्र तेनू छड़ के जान नू दिल ते नहीं करता, पर तू जानना है हर साल आज दे दिन तेरी मां दी बरसी ते पूरा दिन मैं ओदी कबर ते गुजारना। जे आज मैं ओदे कोल ना गया ते ओ समझेगी पुत्र दी मोहब्बत ने मेरे दिल नू ओदी याद बुलाती है। डैडी मां दी कबर ते मेरे वालों भी फुल चढ़ा देना ते दुआ जरूर करना। अगली बार जो मैं घर आवांगा तो तुहाडी नूह मेरे नाल होवेगी। अपना ख्याल रखें तू ही ला। बाय डैडी। अपना ख्याल जरूर रखना। टेक केयर। बाय। आमिर, राय बहादुर साहब का हुक्म है कि तू 24 घंटे के अंदर अंदर यह शहर छड़ दे, नहीं तो जो तेरे नाल होवेगा उदा तू अंदाजा नहीं कर सकता। जा चमचिया, जाके अपने राय बहादुर साहब कह दे कि ना ही उन्होंने दौलत ना ही ताकत मेरे को शहर छुड़ा सकती है तो ना ही तीन का प्यार। ठीक है, फिर तेनू इस शहर चो कढ़न का इंतजाम भी सानू करना पड़ेगा। शीनू बेटा, जान वालियां दा इंतजार जान कट जांदा पुत्र। चल मेरा पुत्र हुण सौं जा। तुसी ठीक कहंदे हो पा, पर इस पागल दिल दा की करां। शीनू एक पल विच अन्न नहीं मिलदा। मैं तेरे दिल दे दर्द नूं समझना वा पुत्र, इसलिए कि मैं तेरा बाप ही नहीं तेरी मां भी हूं, पर कर कुछ नहीं सकता। हुण सबर तो सिवा कोई चारा नहीं पुत्र, कोई चारा नहीं। इश्क करन वाले नु सबर कदों आता है, इश्क दी राह ते टुरन वाले नु लोग पागल कहते ने। भावे मैं लख बुलावा अमन नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती। पागल किता है वे
आशिक प्याला पीता है। तेरी आशिक ने पागल किया है, मैं इश्क प्याला पीता है। तेरी तकनी मैनु मार दी पहली नजरे, दिल हार दी वे तू खबर की चूना किया है, मैं इश्क प्याला पीता है। सुदाई हो गए हैं, पर पता नहीं तू आप कितने। टीना, टीना, आमिर, टीना,
मेरे नाल चल, सोच की रही है, तेने मेरे प्यार की कसम टीना, मेरे नाल चल। अपने नाल ले जाने की जरूरत किस तरह की थी? जरूरत मोहब्बत करने वाले दो हथियार राय बहादुर साहब जिद समाज के पथरीले हाथों से कामयाबी की लकीर खिंची जाती है। ए ख्वाब है तेरा, असी तेरी बावी सोच नू अपने उसूलों की जमीन दफन कर देंगे। एहतजाज से बगावत के फर्क नू समझन की कोशिश करो राय बहादुर साहब, वरना तुहाडा कोई भी गलत फैसला तुहानू तुहाडे जमीर की दालत च मुजरिम बना देगा। Shut up! मैं ताड़े दोवां दे दरमियान कानून दिया सलाहां कर देना। नवाबी नहीं राय बहादुर साहब, पुलिस बदनामी दा वो हाथ ते जिन्हों शराफत दे दरवाजे ते दस्तक नहीं देनी चाहिए। बच्चे चन्नू फड़न की कोशिश करते ने ते मां बाप उन्हां दे हाथ च लॉलीपॉप फड़ा के उन्हां दी जिद दा रुख बदल देने। तुसी जाओ राय बहादुर साहब, मैं ना जिद्दी बच्चिया नाल आप गल कर लांगा। दीना बेटी, मैं मानना कि तुसी एक दूजे दे बगैर जिंदा नहीं रह सकते, पर अपनी गल मनांदा भी कोई तरीका होंदा है। जे तुसी मेरी गल मन जाओ ते राय बहादुर साहब ताड़े दीवार नहीं बननगे। नहीं अंकल, नहीं, पापा जमीन वाल नहीं आसमान वाल वेख के टुरन दे आदि ने, वो अमर नु कभी भी अपना दामाद कबूल नहीं करेंगे। हाली राय बहादुर साहब गुस्से चे, जदो दा मिजाज ठंडा होवेगा ते मैं उन्हों आप मना लांगा, पर उदे लई एक शर्त है। ओके, टीना नु इस वेले अपने कमरे जाना पवेगा ते आमिर तेनु अपने घर जाना पवेगा। पर अंकल, मैं वादा करना बेटा, टीना दा दूल्हा तू ही बनेगा। हाँ हाँ ठीक है, असी तुहाडी गल ते यकीन करने आ। टीना तू अपने कमरे से जा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं तो जा रहा अंकल, पर तुसी भी अपना वादा याद रखना। ठीक है। राय बहादुर साहब, मैनू आमिर ते टीना का फैसला सुना। नवाबी हौसला करो राय बहादुर साहब, नवाबी ने वक्ती शतरंज उते अपनी सोच का मोहरा चल के टीना ते आमिर दे प्यार नू पहली बारी शह दी। अगर मैं ना आंदा ते अज मोहब्बत बगावत का रूप तार के ताडे बकार नाल टकरा जांदी राय बहादुर साहब, ते इस टकराव नाल ताडे घर दीआं दीवारां च बदनामी दी तराड़ आ जांदी। आमिर अपनी गुस्ताखी दी ठोकर नाल साडे खानदानी वकार नूं तोड़ फोड़ देना चाहुंदा। नवाबी शायद उह नहीं जाणदा कि राय बहादुर शेर जंग चटान है जिहदे नाल टकरा के उहदी मुहब्बत दा वजूद पाश पाश हो जाएगा। ए लड़का साडे ज़हन ते इक बोझ बन चुकिआ नवाबी, ते असीं बोझ ला देणा चाहुंदे आ। ए बोझ जोश नाल नहीं होश नाल लाया जाएगा राय बहादुर साहब। असी फैसला कर लिया नवाबी, असी टीना नु दुल्हन बना के जल्द तो जल्द इस कार चो रुखसत कर देंगे। याद आया तू एक बारी अपने बेटे का जिक्र किया सी। हैरत दी गल है राय बहादुर साहब, वो खुश नसीब कल ही अमेरिका तो वापिस आ रहे। गुड। लगदा नवाबे अज मेरा पिंजरा फिर तेरी किसी जरूरत ने खुलवाया है।
कानून ने पिंजरे चो एक आदि मुजरिम नु ऐसे आजाद कराया है जो मेरा साथी बनके मेरी साजिश के मैदान च मेरे नाल दौड़ सके। मैं जानदा नवाबे तू बड़ा पुराना पापी है। अपना नवा प्लान सुना ताकि मेरा किरदार तेरी बुराई का हिस्सा बन सके। राय बहादुर शेर जंगे करोड़पति सरमाएदार है ते टीना उदी इकलौती बेटी है। मैं तेरा तारुफ राय बहादुर नाल अपने बेटे की हैसियत नाल करावांगा। जे तू टीना दा दिल जीत के उन्हें शादी लई राजी कर लिया ते मैं तेनू 50 लाख रुपए देंगा। बाप की विरासत दा बेटा हकदार होंदा है नवाबे। रूप बहरूप दी इस दुनिया च बड़े रंग वेखे ने। मेरे नाल रंगबाजी ना कर। अगर तैनू मेरी जरूरत है तो मामला 50-50 होगा। ज्यादा सोच के मेरा वक्त जाया ना कर नवाबी। अगर तैनू मेरी जरूरत नहीं तो इनकार कर दे। तू बड़ा जालिम है जिमी। मेरे दुखती रख ते हथ रख के तू मैनू अपनी जरूरत का एहसास करा दिता। ओके डन। नाइस टू मीट यू स्मार्ट गाय। नवाबी तेरे पुत्र नाल मिलके सन खुशी हुई। समझ ले कल तक तेरा बेटा सी आज तो बाद साडा बरखुरदार है। ऐ ते जमाल दी खुशकिस्मती है राय बहादुर साहब। ऐसी खुशकिस्मती का दरवाजा असी टीना दी सालगिरह वाले दिन खोलांगे। उस खुशी के मौके पर असी जमाल ते टीना दी मंगनी का ऐलान करांगे। मैनेजर। यस सर। टीना किथे? हेलो पापा। हेलो अंकल। हेलो। हेलो पापा। हेलो बेटा। हेलो। हेलो टीना बेटी। ऐसा दोस्त नवाबी का पुत्र जमाल है। अगर असी इन अपना दामाद बनाने का फैसला कर लिए तो तेन कोई एतराज तो नहीं? राय बहादुर साहब सानू हम इजाजत दो। खुदा हाफिज। पापा तुसी मेरी मर्जी तो बगैर मेरी जिंदगी का फैसला किसने कर दिता है? टीना अपने बाप का फैसला सिर चुका के कबूल कर ले। गलत फैसले तो सिर चुकाना गुनाह है पापा। ते मैं आमिर तो बगैर किसी और नाल जिंदगी गुजारन का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। असि जानने आ तेरे मुंह चो गुलाम जादे दी जुबान बोल रही है। उस बदबख्त ने साडे कोलों साडी धी खोई है। असी उहदे कोलों उहदी जिंदगी खोलांगे। नहीं पापा नहीं तुसी आमिर नहीं मारोगे। अगर उहदी जिंदगी बचाना चाहनी है तो फिर साडे फैसले नूं अपनी तकदीर समझ के कबूल कर ले। नहीं तो साडा बारूद आमिर दे सीने च उतर के उन्हें हमेशा ही खामोश कर देगा। नहीं पापा नहीं मैं आमिर की जिंदगी बचा ली उन्हें भूल जावांगी। मैं तंगल वादा करनी है पापा मैं उन्हें कदे नहीं मिलांगी कदे नहीं मिलांगी कदे नहीं मिलांगी। शीनू तुम हैरान होने की जरूरत नहीं। जे जज्बे सच्चे होन ते तलाश करन वाले खुदा नूं लभ लैंदे ने। देख ले सारे शहर को पुछदे हैं पुछदे हैं आखिर मैं तेनू तलाश कर ही लिया। पर मैनू तलाश करन दा तेनू कोई फायदा नहीं। फायदा या नुकसान प्यार च नहीं व्यापार च वेख्या जांदा है। पर तू तो जाननी है शीनू कटीना मेरा प्यार है। पर अपनी पसंद हासिल करन दा हर किसी नूं अख्तियार है। दिल दा कहना मनेगी तो तेरा मुस्तकबिल गवाच जाएगा। मेरा मुस्तकबिल मेरा प्यार या मेर ते प्यार अपने आप को आके मिलता है।
पर समझने की कोशिश कर शीनू, मैं तेनू कुछ नहीं दे सकता। ठीक है, मैं जा रही हूं, पर मेरी दुआ है खुदा तेरी आशिकी सलामत रखे। हूं मैं तेनू सता ले कभी नहीं आवांगी। पर याद रखी, मैं तेनू हासिल तो नहीं कर सकी, पर एक दिन तो मेरी वफा थे ना जरूर करेगा। हेलो टीना, तुम कुछ अपसेट लग रही है, खैर से है? ए मेरा जाती मामला है, पर तू मेरे कमरे च बगैर जाते तू क्यों आया? ए तकल्लुफ गैरा नाल अच्छा लगता टीना, अपने नाल नहीं ते नाले अंकल दे कहन दे मुताबिक सालगिरह वाले दिन तेरी ते मेरी मंगनी होने वाली है। ए कभी नहीं हो सकता। आई हेट यू। इस तू पहला कि मैं तेरे कुछ होर कमा, तू मेरे कमरे च बाहर चला जा। आई से गेट आउट। टीना, साडे लाड प्यार दा है मतलब नहीं कि तू खुदसर हो जाए। असी जमाल नाल तेरी शादी दा फैसला कर चुके हैं, ते तू जाननी है कि वक्त दी गर्दिश बदल सकती है, राय बहादुर दा फैसला नहीं। कल तेरी सालगिरह दे मौके ते असी इस रिश्ते दा बाकायदा ऐलान कर देंगे। पर एक गल याद रखी, माजी दियां सब गलतियां भुल के साडे सामने आई, वरना तेरे चेहरे दी लर्जिश सानू बाप दी शफकत बुला भी सकती है। आमिर बेटा, कैसे हो? मैं थोड़ी आमद हूं, की समझा? मैनू वेलकम आख भतीजे, मैं तेरे लिए खुशी का पैगाम लेके आया वहां। मेरा ख्याल है कि तुसी जान दे हो कि मेरी खुशी का ना टीना है। टीना तेरी है, पर अपनी चाहत हासिल करन ले इंसान नू मुसीबत ते कई दरिया पार करने पैंदे ने। ऐ टीना दी सालगिरह दा कार्ड है, तेरा इस महफिल च आना बहुत जरूरी है। पर राय बहादुर साहब तो मेरा वजूद भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐ कार्ड इस गल की गवाही दे रहा है आमिर कि राय बहादुर की अना ने मुहब्बत की अजमत के सामने हथियार सुट देने का फैसला कर लिया है। शायद इस पार्टी की खुशी च हर रंजिश अपना दम तोड़ दे। जे सच है तो मैं पार्टी च जरूर आवांगा। टीना, टीना, ऐ दरवेश, ऐ मौत दे ओ फरिश्ते ने जेड़े साढ़े एक इशारे नाल आमिर दा सीना गोलियां नाल छाननी कर देंगे। टीना मेरी जान, जे तू उन वेख के अपना फैसला बदलिया फिर वो जिंदगी की जमानत असी नहीं दे सकते।
तो तेरा इंतजार कर रही सा। दरअसल टीना तेरी पसंद का तोहफा लभदिया लभदिया मैं देर हो गई सी। मैं जानी हूं जिमी तू मेरी पसंद तो चंगी तरह वाकफ है। टीना मैं जरा अंकल हेलो हेलो कर ला। ओके टीना मैं तेरी बेरुखी नू की समझा। अपनी हसीयत ते हकीकत नू देखेंगा तेनू तेरे सवाल का जवाब आप मिल जाएगा। बेटी सब मेहमान इंतजार कर रहे हैं, केक कटिए आना अभी। खुशी दे इस मौके ते अपने इस मुलाजिम आमिर नु हुक्म दे के गा बजा के सारे मेहमाना दा दिल खुश करे। टीना बेटी तू अपने इस मेहमान नु कहो शायद तेरा कहना मन जाए। मिस्टर आमिर खामोश क्यों है? मेरे मेहमानों में अपने दिल दी आवाज सुनंदा क्यों नहीं? नी मैनू तेरी आशिकी ने मार सुटिया नी मैनू तेरी आशिकी ने मार सुटिया नी मैनू तेरी आशिकी ने मार सुटिया दिल देख तैनू नी मैं की खटिया मैनू तेरी आशिकी ने मार सुटिया दिल देख तैनू नी मैं की खटिया मैनू तेरी आशिकी ने मार सुटिया। हर वेले रहन हुन अखियां उदास नी तन मन साड़े तेरे मिलने दी आस नी हर वेले रहन हुन अखियां उदास नी तन मन साड़े तेरे मिलने दी आस नी कुछ भी नरिया पले सा लुटिया मैनू तेरी आशिकी ने मार सुटिया नी मैनू तेरी आशिकी ने मार सुटिया प्यार दी तू मेरे कोई कदर न पाई नी तेरे पीछे मैं ते सारी दुनिया भुलाई नी प्यार दी तू मेरे कोई कदर न पाई नी तेरे पीछे मैं ते सारी दुनिया भुलाई नी
इश्के दपाड़ा नी मैं सरटिया मैनू तेरी आशकी ने मार सुटिया मैनू तेरी आशकी ने मार सुटिया दिल देख तैनू नी मैं की खटिया मैनू तेरी आशकी ने मार सुटिया दिल देख तैनू नी मैं की खटिया मैनू तेरी आशकी ने मार सुटिया नी मैनू तेरी आशकी ने मार सुटिया ठहर जा आमिर जे कोई बेस्ती दी गल बाकी रह गई है तो वो भी कहते थी ना नहीं आमिर नहीं हुन तक तू मेरे मुंह चू मेरे पापा दी गल सुनदा रहे पर आज मेरी गल सुन के सब लोग हैरान रह जाएंगे आज मैं परी महफिल च ऐलान करनी हां आमिर मेरा प्यार है मेरी जिंदगी है टीना ए मोहब्बत दा फैसला पापा आज तुसी सानू अपने तशद्दुद दे बारूद थले दफन कर दो राय बहादुर साहब असी मर जावांगे पर तुहाडे ज़ुल्म दे खिलाफ मोहब्बत दा एहतजाज बनके हमेशा जिंदा रहांगे गोली चलाओ पापा अज अपनी लाडली बेटी दे खून नाल ऐस कर दिया दीवारों ते ओ दास्तान लिख दियो जिनू पढ़ के लोग ताड़ी जिद ते मेरी वफा नू हमेशा याद रखन मैं आमिर नाल शादी करन दा फैसला कर लिया पापा पर अज रुखसती दे वक्त ताड़ी दी ताड़े कोलों गोलियां दा जहेज मंगदी है गोली चलाओ मैं आज अपने बाप दे करूं खाली हाथ नहीं जाना चलाओ गोली पापा चलाओ गोली पापा हो सके ते अपनी टीना नु माफ कर देना लगता है राय बहादुर साहब आज तुसी हार गए हो नहीं नवाबी नहीं राय बहादुर नहीं हारिया समझ ले एक बाप अपनी बेटी को शिकस्त खा गया है एक बाप शिकस्त खा गया है जिंदगी की कहानी कदे नहीं बदलती बेटा बस उहदे किरदार बदल जांदे ने कल तेरी फुफी ने मेरी मोहब्बत दा हाथ फड़ के राय बहादुर दी अना नाल बगावत कीती सी ते अज तू उहदे नक्शे वफा ते चलदी चलदी ऐस घर तक आ पहुंची मैनू अपने घर नू छड़ के आंदा अफसोस जरूर है अंकल काश डैडी मेरी खुशी लई अपनी सिर तोड़ दिंदे ते किन्ना चंगा हुंदा अंकल काश ऐसा हो सकदा बेटा फिर मैं कोशिश करांगा ताड़े दोवां दी शादी जल्दी करा दें ए फैसला तुसी बिल्कुल ठीक कीता डैडी राय बहादुर साहब दी जिद तोड़न लई सानू एक नवे फरिश्ते दी जरूरत है जिन्हों वेख के राय बहादुर साहब सानू माफ कर देन जे हुण नवा फरिश्ता लेट होया ना तो तुहाडा कसूर होवेगा Thank you.
लाले तू मुंदरी मेरी चला दे नाल वे लाले तू मुंदरी मेरी नाकामी इस बदलन वाली राय बहादुर की बेटी टीना है। अगर वो महफिल आमिर का हाथ फड़ के अपनी मोहब्बत का ऐलान ना कर दी तो असी बाजी जित लेंदे। पर फिर भी तू फिक्र ना कर, मेरी सोच दी उंगल फड़ ले, तेनों कामयाबी का रास्ता मिल जाएगा। जरा सोच, अगर आमिर ते टीना की शादी हो गई तो फिर राय बहादुर की प्रॉपर्टी चो सानू एक पाई भी नहीं मिलेगी। घबराने की कोई लोड़ नहीं, तू मौत दे फरिश्ते कट्ठे कर ले, असी मोहब्बत दे हत्थां विचों टीना नू खोके अपने टारगेट तक पहुंचा। नहीं नवाबी नहीं, एनू मैं रोकांगा। तू साड़ी वारदात सुन के सजा दी हकदार बन गई है।
क्यों है शिरू? राय बहादुर साहब नवा भी ताटा दोस्त नहीं दुश्मन है, ते जमाल नवा भी तक बेटा नहीं, एक सजा याफ्ता मुजरिम है जिन्हों नवाबी ने दौलत नाल खरीदिया है। ए तू की कह रही है शिनो? मैं ठीक कह रही हूं राय बहादुर साहब, मैंने तो नदिया गलां सुनिया ने, जमाल ने मैंने ब्याह प्रूव करके मैंने गोली मार दी थी, दोवे मिलके टीना ते आमिर नु मारना चाहते ने, टीना ते आमिर नु बचा लो राय बहादुर साहब, बचा ना, ना, चिनो, 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 की हो गया मेरी तीनू, की हो गया, मर गई है। राय बहादुर साहब, जमाल ते नवाबी तुहाडी जान दे भी दुश्मन ने, वो तुहानू भी कतल करना चाहते ने, चिनो। राय बहादुर साहब, मरण वाले कदे झूठ नहीं बोलते, समझ लो आज प्यादे ने बादशाह नु मात दे दी है। मेरी बेटी दे ओ कातलो, जलीलो, कमीने ओ कुत्ते। तैनू असी कदी माफ नहीं करांगे। ऐ गरजना ते बरसना ठटते राय बहादुर, आज तू एक मजबूर ते बेबस इंसान है जेड़ा साडे कोलो अपनी जान बचाने ले तरले ते पा सकता है, उच्ची नहीं बोल सकता। नहीं नवाबी, राय बहादुर शेर जंग दा शेर किसे कमीने दे सामने नहीं चुक सकता। ऐ सिर ना चुकिया ते कदे आ जाएगा राय बहादुर, इन्हू अपने नाल ले चलो। मैंनु यकीन है अपनी बेटी दी जान मुश्किल च वेख के अपनी करोड़ों रुपए दी जायदाद साडे नालां तो तरेर नहीं करेगा। ले चलो इन्हू। सलमा, काश अज तू जिंदा होंदी, अपने बेटे दी शादी ते अज तू किन्ना खुश होना सी। डैडी, वो मौलवी साहब हाल तक नहीं आए। बेटा, मौलवी तू आप ही ले आएगा। शादी भी मेरी है ते मौलवी साहब ने भी मैं आप लेके आवां? हां बेटा, अपने निकाह ले भी मौलवी मैं आप ही ले आया सा। किसी ने ठीक किया डैडी, मां पर धी पिता पर घोड़ा, बहुता नहीं पर थोड़ा थोड़ा। ठीक है, लगता है साढ़े खानदान की रीत है जिन्हों पूरा करना बहुत जरूरी है, मैं मौलवी साहब लेके आना। आऊं जा। आज तो तू नवी जिंदगी का आगाज कर रही है टीना बेटी, तो मैं उम्मीद रखांगा कि इस कार चाण वाली कोई परेशानी, कोई गम तेरे ना नाल ना लगे। तुसी फिकर ना करो अंकल, गम ते परेशानी इस घर का बुआ भी नहीं वेखन गे। ते मैं ताडे दोवां दे सिर ते आण वाली हर मुसीबत दे सामने दीवार बन जांगा बेटी। सजाद अली, राय बहादुर दी बेटी नू साढ़े हवाले कर दे। नहीं,
टीना मेरी होने वाली बहू है ते कोई गैरतमंद अपनी इज्जत नु ताडे अर्गे बेगैरतां दे हवाले नहीं कर सकता। बहुत अफसोस की गल है सजाद अली, तू शायद साड़ी जुबान नहीं समझ सकिया, बारूद की जुबान समझ जाएगा। बजान, बजान। नहीं, आओ मौली साहब। मेरी फिक्र छड़ दे बेटा, ते अपनी टीना नू बचा ले। नवाबी ते उदे बंदे टीना नू चुक के ले गए ने बेटा, उनू बचा लो। नहीं बाबा, नहीं।
शुक्ल निर्माल दो दिन छड़ दो मुखड़े तो शुक्ल निर्माल तेनी दिल सहार सुटे सोनिए कदों पैर दिए शान जदों मुखड़े ते सुट लवे वाल एवें तेनी दिल सहार सुटे जानिया सोनिए कदों पैर दिए शान जदों मुखड़े ते सुट लवे वाले।